नमस्कार दोस्तों, मैं चीत जायसवाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं किसी भी तरह का अपने चैनल का प्रमोट नहीं करने वाला हूं, और कहीं ना कहीं ये जो वीडियो बन रही है कि आल सार्वजनिक रूप से बन रहा है, बस एक चैनल मेरी सहारा है ताकि आप लोगों के तक ये बात पहुंच जाए। ये जितने भी यूआईडी में वर्क करने वाले सुपरवाइजर और ऑपरेटर हैं, उन लोगों के लिए खासकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, कहीं ना कहीं यूआईडी या फिर सीएससी की तरफ से आ रहे नए नए नियमों के तहत कहीं ना कहीं आप लोगों को वर्क करने में बहुत ही समस्या होती होगी। कहीं ना कहीं मुझे भी हो रही है, क्योंकि मैं भी एक सुपरवाइजर हूँ, और जितने भी सुपरवाइजर और ऑपरेटर हैं उनको ये समस्या बहुत ही सताएगी। कहीं ना कहीं नियम ऐसे आ गए हैं कि जैसे जिसका फॉलो करना कहीं ना कहीं बेहद ही कठिन पूर्वक है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, जब तक हम लोग यानी आप लोग और हम लोग मिलकर एक नहीं रहेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे नहीं यूआईडी के पास, तब तक कोई समाधान नहीं होने वाला है। जैसे कि कई ऐसे एजेंसियाँ हैं जहाँ पे कई ऐसे ऑपरेटर हैं सुपरवाइजर हैं कि साल दो साल तीन साल से काम कर रहे हैं, अभी तक छुट्टी कौड़ी नहीं मिली है, और ऊपर से आदेश आते हैं कि पैसे लेके मत बनाया करो। कहीं ना कहीं बात गलत है, पैसे लेके नहीं बनाना चाहिए, ये भी बात सही है। पैसे लेके आप बनाते होंगे तो जहाँ चाहते होंगे, आप पैसे लेके मत बनाइए। लेकिन एक बार हम लोगों को कहीं ना कहीं वाईडी के पास ये बात रखने की मौका ही नहीं मिलता कि सर, हम दो साल से काम कर रहे हैं और पूरे दिन दुकान में बैठे रहते हैं, बिजली का बिल है, नेट का बिल है, दुकान का भाड़ा है, मेरा खुद का एक दिन का मजदूरी है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं एक दिन पर मेहनत करता हूँ और मुझे पैसा ना मिले, वही बोलते लोग एक महीने डेढ़ महीने बाद पैसा मिलेगा। पहली समस्या क्या है कि डेढ़ महीने बाद पैसे मिलेगा, वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वे कुछ उसकी कोई गारंटी नहीं है। और कहीं ना कहीं 100 में 95% लोगों का पैसा इस तरह से फंसा हुआ है। आप अपने मन से सोचिए, क्या आपको सही काम से पैसा मिला है? आप जितना काम किया उससे हिसाब से आपको उचित मूल्य मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम लोग जितने भी ऑपरेटर हैं, सुपरवाइजर हैं, चाहे वे ऑल ओवर इंडिया में वर्क करते हैं लोग, हम लोगों में सहमति नहीं है, एक राय और एक मत नहीं है। जो थोड़ा ज़्यादा जानता है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार समझता है और स्मार्ट समझता है, अपने पीछे वाले को साथ लेकर नहीं चलता है, छोड़ देता है। कहीं ना कहीं हम लोगों का एक संगठन होना चाहिए, हम लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए, और जब तक हम लोग एक साथ मिलकर एक बात नहीं रखेंगे एक पॉइंट पे, तब तक हम लोग के साथ ऐसे ही होते रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है, और आप लोग इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने चैनल को प्रमोट के लिए करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों की एकता की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुझाव आया है कि कहीं क्यों ना हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, जैसे कि ट्विटर पे, और उसमें केवल ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर रहेंगे जो कि आधार में काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जितने भी पुराने ऑपरेटर और सुपरवाइजर हैं उनको तो बहुत कम नुकसान हुआ होगा, जो नए ऑपरेटर और सुपरवाइजर बने हैं और नई नई मशीनें खरीद के लाए हैं महंगे दामों पे, उनका क्या हाल होगा उनके बारे में भी आप लोग एक बार सोचिएगा। तो इसीलिए दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं एक ट्विटर अकाउंट आज ही अभी तत्काल में ओपन किया हूँ, और इसका नाम है आधार एसपी टीम, यानी आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर टीम। दोस्तों, आप लोग कितनी संख्या है, कितने लोग इस फैसले से त्रस्त हैं, परेशान हैं, वे इस यहाँ पे आकर अपनी बात रखें और कहीं ना कहीं इसकी संख्या बढ़ाएं, ताकि हम लोग कोई भी एक कमेंट एक कोई भी ट्वीट करें तो ताकि यूआईडी के बड़े अफसरों के पास हुई जानकारी पहुंच जाए और कहीं ना कहीं हम लोग की समस्याओं का समाधान निकाला जाए, और जो भी हम लोग की मांग होगी इसी के माध्यम से रखेंगे। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये लगता है कि जितना भी वर्क ऑपरेटर या सुपरवाइजर करें, उनके अकाउंट से आधार कार्ड लिंक हो और जितना भी पैसा जितने भी आधार जनरेट होते हैं उनका उसका इनकम उनके खाते में डायरेक्ट आए, ना कि बीच में जो भी पड़े उनको उनके खाते में आए। हाँ, रही बात उनकी कमीशन, अगर सेट है तो कमीशन करके उनके अकाउंट में चली जाए, और कोई कमीशन नहीं सेट है तो पूरी की पूरी मनी ऑपरेटर या सुपरवाइजर के खाते में आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस ये बात जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों के दिमाग में बैठ रहा है और आप लोगों के हित में लग रहा है कि हाँ ये बातें आप लोगों के लिए ही हैं, तो आप लोग इस पोर्टल पे अपनी अधिक से अधिक उपस्थिति दिखाइए। और कहीं ना कहीं ये सीएससी और अदर कंपनी के जितने भी यूजर्स हैं,
उन लोगों के लिए भी ये वीडियो खास है। ये मत समझिए कि ये केवल सीएससी के लिए या फिर अदर किसी एजेंसी के साथ के लिए है जो आधार कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड सुधार करते हैं या फिर बच्चों का आधार कार्ड बनाते हैं, ये सबके लिए है। अब मुझे देखना है कि कितने लोग इस बात से सहमति हैं और कितने लोग यहाँ पर अपने जवाब देते हैं, कितने लोग इस ट्विटर पे इस अकाउंट को फॉलो करते हैं, ये देखना है। और कहीं ना कहीं इसमें संख्या नहीं बढ़ी तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आपस में सहमति नहीं है, आपस में हम लोग का तालमेल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा परेशानी रहेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।